रोज रोज पनीर और मशरूम तो खा नहीं सकते हैं, अगर हेल्दी रहना है तो हरी सब्जी भी खाना उतना ही जरूरी है जितना कि पनीर और मशरूम। तो चलिए आज हम बनाते हैं हरी सब्जी में पम्पकिन की सब्जी, जो कि बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे तो कद्दू की सब्जी ना बहुत अच्छी लगती है, खासकर पूड़ी और पराठा के साथ तो अमेजिंग है। तो मैंने इसको धुल के छोटे छोटे पीस में काट लिया है। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा क्रश किया हुआ धनिया, कलौजी, आप चाहे तो इसमें पचफोरन का तड़का लगा सकते हैं। बस इसे भून लेंगे, उसके बाद इसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे और इसे भी भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें एक लंबे स्लाइस में कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा इसको सौटे कर लेंगे। बस जैसे ही प्याज हल्का सा भुन जाएगा, इसमें हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसमें कुछ भी मसाले नहीं पड़ते और इसकी खास बात है ये है ना कि ये 5 से 7 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस इसमें नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक करके इसे सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। इसको पकते हुए थोड़ी देर हो गया है, इसे हम एक बार मिक्स कर देंगे तो लगभग आधी पक चुकी है। बस इसे हम ढक करके थोड़ी देर और पका लेंगे, बस हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। तो आपके यहाँ कैसे बनती है कद्दू की सब्जी, आपको कितनी पसंद है ये या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सब्जी हमारी पूरी पक चुकी है, इसमें हम डाल देंगे अमचूर पाउडर और धनिया की पत्ती। लास्ट में अगर हल्का फुल्का पानी रह जाता है सब्जी में तो खोल के इसको हाई फ्लेम पर ड्राई कर लीजिएगा। बस हमारी सब्जी बन के तैयार है। तो आपको कैसी लगती है कद्दू की सब्जी कमेंट करके बताइएगा, एक बार इस तरह से सब्जी जरूर ट्राई कीजिएगा।